हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा टी टाइम स्नैक बनाने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल लेस ऑयल में, हम कह सकते हैं बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बढ़िया सी सूजी बॉल्स हम यहाँ पे बनाएंगे, तो चलिए झटपट से बनाते हैं ये टेस्टी सा स्नैक। और यहाँ पे जो हम सूजी का एक बहुत ही बढ़िया सा स्नैक बनाने जा रहे हैं सूजी बॉल्स, उसके लिए बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। एक बिल्कुल एक छोटा चम्मच टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है, साथ में थोड़ा सा इसमें हम राई डालेंगे और राई के साथ साथ थोड़ा सा इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसी के साथ में यहाँ पे ये हरी मिर्च हमने लिए हुए हैं ये डालेंगे। और गैस हमें बिल्कुल यहाँ पे अभी मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई भी नहीं करनी है फ्लेम। और इसके बाद में इसमें अगर हम एक कप सूजी यूज़ करेंगे, एक छोटा कप, तो आधा कप हम इसमें पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद में इसमें साथ में ही हम नमक भी यूज़ करेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें रखना है। और साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती हमने ली हुई है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे इसमें कोई भी वेजिटेबल्स नहीं यूज कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरह से स्नैक बना रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके ये सूजी हम इसमें मिक्स करेंगे पानी में। देखिए इस तरह से मैंने सूजी इसमें मिक्स कर दी है। यहाँ पे थोड़ा सा थिक हो गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूंगी यहाँ पे, तो एक आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा बस पानी हम ऐड करेंगे इसमें और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बढ़िया सा ये डो टाइप का भी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी ये, फिर हम इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये हार्ड हो गई है, तो अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा हमें इसे करना है। और ये मिक्सचर अब थोड़ा सा ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना। और हाथ को पहले थोड़ा सा ग्रीस करेंगे हम, और हाथ को ग्रीस करने के बाद में इसको अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स करना है ताकि ये चिकनापन इसमें एक आ जाएगा। इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा सा करके इस तरह से रगड़ते हुए थोड़ा सा इसको चिकना करेंगे हम। और ये देखिए इसको कम से कम 2 मिनट के लिए हमने थोड़ा सा इसी तरह से मसला था और ये बिल्कुल एक डो टाइप का बन के रेडी हो गया है, आप देख रहे होंगे चिकना चिकना सा। ये देखिए एक डो टाइप का हमने बना लिया है इसका। अभी इसकी छोटी छोटी हम बॉल्स बना के रखेंगे पहले, क्योंकि बॉल्स को हमें थोड़ा सा स्टीम करेंगे हम 15 मिनट के लिए, तो छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स हम बना लेते हैं। और बॉल्स का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और इस तरह से करके ये देखिए मैं इस साइज की बना रही हूँ, आप कोई भी साइज आप इससे बड़ा भी कर सकते हैं, पर मैं इस साइज की देखिए बॉल्स बना के रख रही हूँ। और इन बॉल्स को पहले हमें स्टीम करना है हमें, और बहुत ही आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता और बहुत झटपट से और बहुत ही बढ़िया सा ये स्नैक बन के रेडी होता है। काफ़ी अच्छा लगता है चाय से खाने में, आप इसको शाम के टाइम चाय से या सुबह के टाइम भी बना सकते हैं आप इसको। जब भी कोई आपके घर में अगर गेस्ट आ जाए फ्रेंड्स, तो बस सिंपल सा स्नैक है, आप झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं।
और अब क्योंकि हम स्टीम देंगे तो स्टीम आप जिसमें जैसे आप ढोकला बनाते हैं अगर आपके पास स्टीम वाला है तो आप उसमें कर सकते हो, वरना आप किसी भी अलग तरह से जो इस तरह से कोई भी चलनी या कुछ हो अगर आपके पास में, तो मैं क्या करूँगी एक बड़े भगोने में पानी गर्म होने के लिए मैंने रखा है और इस तरह से मेरे पास में ये देखिए चलनी है, इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको ग्रीस किया हुआ है, इसको ऑयल लगाया है यहाँ पे हमने, और सारी बॉल्स मैं इस पे इस तरह से रख देती हूँ। देखिए इस तरह से सारी बॉल्स मैं रख रही हूँ इस पे, बहुत ही कम ऑयल में कह सकते हैं, बिल्कुल आप देख रहे होंगे ना के बराबर बिल्कुल ऑयल इसमें यूज होता है और एक बढ़िया सा स्नैक बन के रेडी हो जाता है। देखिए सारी बॉल्स हमने इसमें रख दी है, अभी इसको उठा के हम भगोने के ऊपर रखेंगे क्योंकि हम जिसमें स्टीम देंगे उसके ऊपर हमें इसको रखना है। और ये देखिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और अब पानी थोड़ा गर्म भी हो गया है, इस तरह से सारी बॉल्स को हम बीच में ही कर देते हैं क्योंकि काफी स्पेस है अभी इसमें, तो बीच में ही सेट कर देते हैं हम सारी बॉल्स को इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद में ये ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए हम इन बॉल्स को स्टीम करेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट बाद इसे ओपन कर लेंगे और देखिए बिल्कुल बढ़िया से स्टीम हो गई है बॉल्स और कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है बॉल्स का, अभी गर्म भी है काफ़ी, तो बस इन्हें हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और बस थोड़ा सा इनको हम फ्राई आप कह सकते हो करेंगे लेकिन बहुत ही कम ऑयल में। तो एक एक करके पहले हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बॉल्स को हल्का सा फ्राई करने के लिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा मिर्चा और नमक बॉल्स में भी डाला था, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे राई डालेंगे हम और राई के साथ में यहाँ पे ये करी पत्ता हम इसमें ऐड कर रहे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे मैं लाल मिर्च यूज कर रही हूँ और साथ में ऑयल में ही इसी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी बॉल्स में नमक हमने डाला हुआ है, बस ऊपर से एक मसाले की थोड़ी सी बढ़िया सी कोटिंग हो जाएगी इस वजह से मैं नमक यहाँ पे यूज किया मैंने। और बस इस तरह से ये जो मसाला इसका रेडी हुआ है और इस मसाले में एक एक करके ये बॉल्स हम डाल देंगे और आप देख रहे होंगे कितने स्पंजी, ये देखिए बॉल्स बने हुए हैं, ये देखिए इस तरह से प्लेट में देखिए कितना बाउंस हो रहा है और बहुत ही बढ़िया सा स्नैक लगता है ये खाने में। और बस बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस कुछ एक दो सेकेंड के लिए इस तरह से, ये देखिए हमने इसमें मसाले में बस इसको कोट करना था और बाकी कुछ नहीं फ्राई करना है इसमें। और ये देखिए बढ़िया सा ये क्रिस्प मज़ेदार सा एकदम कम ऑयल में मुलायम सा बिल्कुल ये सूजी का बढ़िया सा स्नैक बन के रेडी हुआ है सूजी बॉल्स। तो बस ये देखिए मसाले में अच्छे से कोटिंग हो गई, तो बस गर्मा गर्म हम इसे सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया टी टाइम स्नैक सूजी बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक बहुत ही टेस्टी सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।